दोस्तों आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है तो व्यक्ति की प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले वह पता करे कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को उसने ज्वाइन किया है क्या वाकई वह कंपनी एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या फिर वह कंपनी पैसे को ही घुमाती है, केवल मनी रोटेट करने का काम करती है। बट प्रॉब्लम ये कि अगर ये सवाल वह अपने अप्लाइन से पूछेगा ना तो उसका अप्लाइन तो एक ही बात बोलेगा कि हमारी कंपनी ना डायरेक्ट चांद से उतर के आई है और हमारे कंपनी जितना लीगल कोई है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक टाइम के बाद ऐसी कंपनियां बंद होती हैं, आपने भी देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि 5 साल 10 साल 15-15 साल चलने के बाद भी कंपनियां बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनएथिकल प्रैक्टिस करती है मार्केट में। अब जब ऐसी कंपनियां बंद होती है ना तो लोगों की पहली बात तो फेस वैल्यू ख़राब होती है उन लोगों की जो कि उस कंपनी के टॉप के नेटवर्कर थे, पहली चीज़। दूसरी चीज, लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग पे से विश्वास उठ जाता है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को जानता हूँ जो कि एक टाइम में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा थे, बट आज के टाइम में वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है कि जिस वक्त वह उस कंपनी में काम कर रहे थे उस वक्त जब उनको समझाया गया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को समझाया कि आप इसमें काम मत करिए, प्रॉब्लम होगी भविष्य में, लेकिन व्यक्ति नहीं माना, करता गया। लोगों के, मैं कहता हूँ, लाखों नहीं ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं झारखंड के जिन्होंने करोड़ों रुपया लगवाया और आज के टाइम में उनकी ये कंडीशन है कि अपनी सिमें तोड़कर कई कोने में दुबककर बैठे हुए हैं। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे जज करें कि कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सी कंपनी लंबे टाइम तक मार्केट में रहेगी। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे नेटवर्कर तो मुझे ऐसे मिले कहते सर कंपनी 5 साल बाद बंद होती है ना, हो जाए, हमें तो बस पैसा कमा के साइड हो जाना है। अब दोस्तों ये जो मेंटेलिटी है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक नेटवर्कर की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि हमें तो पैसा कमा के साइड हो जाना है तो वह व्यक्ति जो कि उनके नेटवर्क का हिस्सा होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं भविष्य में समस्याएं होने वाली होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियां बताऊंगा, कुछ ऐसे कंपनियों के टाइप बताऊंगा जिन्हें कि आपको गलती से भूलकर भी ज्वाइन नहीं करना है, राइट? तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, वो कंपनियां जो कि आपसे कहती हैं कि आप एक वक्त के बाद उनके मार्केटिंग प्लान से फिक्स सैलरी भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में फिक्स सैलरी का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि मिनिमम गारंटी ऑफर करती हैं, वो भी एकदम गलत है। अगर हम अपने पॉइंट पर आएँ कि फिक्स सैलरी, दोस्तों ये वह कंपनियां होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया जाता है, या फिर वो कंपनियां जो कि होती ही इन्वेस्टमेंट की हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनीज होती हैं। और बहुत सारी तो ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और बताते कि हम US से रजिस्टर्ड हैं, UK से रजिस्टर्ड है, जापान से रजिस्टर्ड है, जर्मनी से रजिस्टर्ड है, राइट? तो आपको ऐसी किसी भी कंपनी में भूल कर भी नहीं फंसना जो कंपनी आपसे ये कहती है कि आप $10 लगाइए, आप $20 का इन्वेस्ट कीजिए, आप $50 लगाइए, आप $100 लगाइए और एक वक्त के बाद हमसे इतना ले जाइए। चाहे वह कंपनी आपको भविष्य में 10 लाख देने का वादा करे, चाहे 10 करोड़ देने का वादा करे, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग एक्ट आ गया इन सभी कंपनियों को बंद होना ही पड़ेगा। तो होगा भाई जो कि पहले के टाइम में लोगों ने किया कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करा देंगे, लेकिन जब उनका पैसा डूबेगा ना तो आप कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो ऐसी कंपनियों से आप बचकर रहिए। सेकंड, क्राउड फंडिंग बेस्ड कंपनीज। दोस्तों क्राउड फंडिंग कोई गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्राउड फंडिंग में, बट प्रॉब्लम तब है जब व्यक्ति क्राउड फंडिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करता है। दोस्त, क्राउड फंडिंग का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, क्योंकि क्राउड फंडिंग का मतलब ये है कि आप क्राउड से, पब्लिक से फंड लेते हैं। मोटी मोटी भाषा में बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता और जहाँ कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। तो कोई भी ऐसी क्राउड फंडिंग बेस्ड कंपनी जो कि आपसे ये कहती है कि आप हमें इतना डोनेशन दीजिए और भविष्य में आपको इतना मिलेगा, आपको ऐसी कंपनियों से बचकर रहना है। तीसरा, वो कंपनियां जो कि लोगों को खरीदना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ना आजकल एक बहुत ही गलत ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि कंपनियों ने क्या किया है कि जो भी व्यक्ति किसी कंपनी का टॉप का लीडर है उसको कंपनीज ने खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अब होता क्या है, देखिए किसी भी लीडर को ना रात में ऐसा सपना नहीं आता,
उस व्यक्ति को ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं सुनाई देती कि हाँ बेटा तू इस कंपनी में गलत काम कर रहा है, अब तू उसमें चला जा, तू सफल हो जाएगा। और व्यक्ति जाता है रात रात सफल भी हो जाता है। होता क्या है, आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी 10-20 लाख रुपए की पर मंथ आने वाली इनकम को छोड़कर किसी कंपनी में जाकर जीरो से स्टार्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं, कम टाइम में नंबर वन बनने की होड़ में, ना कम टाइम में नंबर वन बनने की होड़ में कंपनियां लीडर्स को खरीदना स्टार्ट कर देती है। तो आपको कैसे पता लगेगा, देखिए वो कंपनी जिसमें कि बड़े बड़े अचीवर एक साथ जाके ज्वाइन कर लें, वह कंपनी जिसमें कि अदर कंपनियों के बड़े बड़े अचीवर एक साथ जाकर ज्वाइन कर लें, और जबकि उन अचीवर्स का किसी अदर कंपनी में भी अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है और आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है। राइट, लास्ट, वो कंपनियां जो कि अपना मनी रोटेशन सिस्टम को छुपाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू तो 200 रुपए की है लेकिन कंपनी 2000 रुपए का बता के उनका बेचती है। लाइक वो कंपनियां जो कि कोट पैंट सेल करती हैं, वो कंपनियां जो कि कंप्यूटर कोर्स सेल करती हैं, राइट, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपको ऐसी कंपनियों से भी बच के रहना जिनके पास अपना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट ना हो, राइट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वाकई किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर्स को नीड ना हो, ऐसी कंपनी को भी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।